आप जो ये वीडियो क्लिप देख रही हैं इनको ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो क्लिप हरियाणा की सियासत में एक बड़ा भूचाल लाने का काम कर सकती हैं। ये वीडियो हैं शाहबाद की। इन वीडियो में आप देख रहे होंगे एक घर नज़र आ रहा है, एक पुलिसकर्मी नज़र आ रहा है और एक गाड़ी नज़र आ रही है। ये सारा वाक्य है शाहबाद के सबसे बड़े समाजसेवी और उद्योगपति संदीप गर्ग के घर और फैक्ट्री की। संदीप गर्ग के इन प्रतिष्ठानों पर चल रही है ईडी की सर्चिंग। पिछले 36 घंटे से संदीप गर्ग के प्रतिष्ठानों पर ईडी की सर्चिंग चल रही है और लगभग 2000 करोड़ के जीएसटी घोटाले को लेकर ईडी संदीप गर्ग से पूछताछ कर रही है। संदीप गर्ग का इस मामले में फंसना चौंकाने वाला काम कहा जाएगा, क्योंकि संदीप गर्ग कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और ऐसे में उसके बाद उनके खिलाफ इस तरह की जांच पड़ताल होना, ईडी की रेड पड़ना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि उनका मामला बड़ा है, उनका पंगा बड़ा है और इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संदीप गर्ग के मामले में हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी फंस सकते हैं, क्योंकि अंदर के सूत्रों का कहना है कि संदीप गर्ग ने कुछ ऐसी जानकारियाँ भी ईडी को दी हैं जिनमें कहा गया है कि उन्होंने इस मामले को निपटाने के लिए और सेटिंग करने के लिए दुष्यंत चौटाला को करोड़ों रुपए देने का काम किया था। अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर दुष्यंत चौटाला भी ईडी के रडार पर आ जाएंगे और वो भी इस 2000 करोड़ के जीएसटी घोटाले में फंस सकते हैं। उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है, उनके खिलाफ पूछताछ भी हो सकती है। संदीप गर्ग बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। वो पिछले 8 साल से लगातार समाज सेवा भी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनको लेकर चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन उनके लिए बीजेपी में शामिल होना रास नहीं आया। उनके जहां बिजनेस के ऊपर अब काले बादल मंडरा गए हैं, वहीं उनकी सियासत का भी खात्मा हो गया है, यानी सिर मुंडाते ही उनके सिर पर ओले पड़ गए हैं। जहां तक दुष्यंत चौटाला की बात है, दुष्यंत चौटाला इस मामले में बड़े संकट में फंस सकते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का एक्साइज और टैक्सेशन विभाग संदीप गर्ग के लेन देन से, बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने सेफ रास्ता देने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए ही उनसे बड़ी मात्रा में पैसे का आदान प्रदान किया था, यानी संदीप गर्ग ने दुष्यंत चौटाला के करीबियों को काफ़ी पैसे देने का काम किया था, जिसके कारण संदीप गर्ग के ऊपर पिछले 2 साल से ठंडी हवा चल रही है, यानी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई, जबकि 3 साल पहले ही उनके खिलाफ ये सैकड़ों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हो गया था, उनके खिलाफ जांच पड़ताल भी चल रही थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने किन्हीं खास कारणों से संदीप गर्ग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कहा जा रहा है कि संदीप गर्ग ने अपने खिलाफ सेफ रास्ता देने के लिए दुष्यंत चौटाला को करोड़ों रुपए के लेन देन के साथ उपकृत करने का काम किया था, यानी चढ़ावा चढ़ाने का काम किया था। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो ईडी की जांच पड़ताल में पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अब ईडी भी नई सर्च वार्ड ले सकती है, उनको जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए बुलाने का काम कर सकती है। अगर संदीप गर्ग ने दुष्यंत चौटाला के साथ अपने रिश्तों का खुलासा कर दिया, अगर संदीप गर्ग ने दुष्यंत चौटाला को पैसे देने की बात ईडी को बता दी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में दुष्यंत चौटाला भी ईडी के कटघरे में आ सकते हैं। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी जांच शुरू हो सकती है और दुष्यंत चौटाला से पूछ भी हो सकती है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए भी संकट के बादल मंडरा जाएंगे, उनके लिए भी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। संदीप गर्ग का तो अब सियासत का खात्मा हो ही चुका है, लेकिन अगर ईडी ने संदीप गर्ग के बयानों के आधार पर, संदीप गर्ग की इन्फॉर्मेशन के आधार पर और संदीप गर्ग के इकबालिया बयान के आधार पर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी अगर कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा की सियासत में बड़ा भूचाल आ जाएगा और दुष्यंत चौटाला की सियासत भी अरसे फर्श पर आएगी। दुष्यंत चौटाला अभी ये बातें करते हैं कि वो 35 साल के हैं और उनके सामने अभी 50 साल की सियासत खड़ी है, लेकिन उनको शायद इस बात का पता नहीं है कि अगर संदीप गर्ग के मामले में वो फंस गए तो उनकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी और उनको सत्ता की बजाय जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि संदीप गर्ग का मामला लगभग 2000 करोड़ की टैक्स चोरी का है और इस टैक्स चोरी में अगर दुष्यंत चौटाला ने किसी भी तरह से संदीप गर्ग की मदद की है और किसी भी तरीके से उनसे फ़ायदा उठाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर ईडी उनके गिरेबान तक भी पहुँचेगी, उनके दरवाजे तक भी पहुँचेगी और दुष्यंत चौटाला को जाँच में शामिल होना होगा। जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ईडी के कटघरे में बैठे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल
का मामला बिल्कुल साफ हो गया है। उसी तरह से संदीपगर के मामले में भी दुष्यंत चौटाला लपेटे में आ सकते हैं, दुष्यंत चौटाला घेरे में आ सकते हैं और दुष्यंत चौटाला भी उसी अंजाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर आज अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ संदीप गर्ग के रिश्तों की गहराई को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। संदीप गर्ग की ईडी सर्चिंग के मामले में दुष्यंत चौटाला की भूमिका को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ ईडी की संभावित जांच पड़ताल और पूछताछ के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।